सरकार जो है विफल है, कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक न गिरफ्तारी हुई है न कुछ हुई है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि 60% काम हो गया है, 40% होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, यही सब हो रहा है। राजू कुमार मेरा नाम हुआ, विवाही नहीं हुआ है। और मेरा भाई का जो है 1.5 साल पहले शादी हुआ है, 4 महीने का बच्चा है। हत्या के विरोध में मृतक चंदन रजक के पीड़ित परिजनों द्वारा पटना सिटी के बक्सी मोहल्ला से विरोध मार्च निकाला गया, जहां सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष ने हाथों में स्लोगन भरी तख्तियां लिए अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपए की मुआवजा और मृतक चंदन रजक की पत्नी को सरकारी नौकरी की मांग की गई। इस दौरान पीड़ित परिजनों ने अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर SDO मुकेश रंजन को ज्ञापन सौंपकर मुआवजे की मांग की। गौरतलब है कि बीते मंगलवार को बाईपास इलाके में अपराधियों ने चंदन रजक नामक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, चंदन रजक बहुत गरीब परिवार से आता था और वो काम करता था, काम करके अपना परिवार को भरण पोषण करता था, और बिना किसी कारण के उसको हत्या कर दिया जाता है। इस सरकार में अभी तक उसकी गिरफ्तारी, जो हत्यारा है उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हम लोग का डिमांड है कि उसको अविलंब गिरफ्तार करे, उसको फांसी दे, और पीड़ित परिवार जो है उनको 20 लाख के मुआवजा मिले और सरकारी नौकरी मिले, यही इस संस्था से इनका मांग है सरकार से। मिलन कुमार रजक अनुसूचित जाति से है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और मेरा भाई का जो है 1.5 साल पहले शादी हुआ है, 4 महीने का बच्चा है उसका। सरकार से यही अनुरोध है कि कम से कम एक सरकारी नौकरी उसकी वाइफ को दिया जाए, और जो मुआवजा होता है वो मुआवजा मिलना चाहिए, बस। और कोई मांग नहीं है, और न्याय होना चाहिए। 24 घंटे में हथियारों को पकड़ना चाहिए। नहीं, अभी तक कोई नहीं है। इसी चीज को लेकर निकलेंगे। सरकार जो है विफल है, कोई काम नहीं हो रहा है। अभी तक न गिरफ्तारी हुई है न कुछ हुई है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि 60% काम हो गया है, 40% होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, यही सब हो रहा है। राजू कुमार मेरा नाम हुआ।